सो ये थी दोस्तों अपनी कैब और मैं आ चुका हूँ यहाँ पर पुणे के एयरपोर्ट में। सो ये है एयरपोर्ट पुणे का। मेरी जो फ़्लाइट है वो है 6:25 में सुबह के, और अभी रात के 2 बज रहे हैं। मैं 2 बजे ही आ चुका हूँ, 2, 3, 4, 5, 6, 4 घंटे पहले आ चुका हूँ। तो चलिए अंदर देखते हैं और आपको आगे का मैं नज़ारा दिखाता हूँ और देखते हैं क्या होता है। अभी जो आपने जगह देखा, यहीं से हम लोग एयरपोर्ट के अंदर एंट्री करते हैं और हमें अपना प्लेन का टिकट भी दिखाना पड़ता है। एयरपोर्ट के अंदर आप एंटर करेंगे तो आपको नज़ारा कुछ इस तरीके का मिलेगा। एयरपोर्ट के अंदर रैंडम बैग चेक हो जाता है, जैसे कि मेरा भी यहाँ एंटर करते ही रैंडम बैग चेक हो गया। उसके बाद मैंने अपना बैग का वेट देखा जो कि था 4 kg। आराम से आप इतने वज़न को तो ले जा ही सकते हैं। उसके बाद मेरे को बोर्डिंग पास लेना था तो मेरे को लाइन में थोड़ी देर खड़ा रहना पड़ा। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं, फिर से अपना यहाँ पर हम लोग सामान डाल रहे हैं जो कि आगे बैग अपना सील हो जाएगा। सो यहाँ पर सामने वाले बैग डाल रहे थे। एक बार बैग आपका सील हो गया तो आप ओपन नहीं कर सकते, जब आपकी लैंडिंग हो जाएगी तभी आपको बैग मिलेगा। तो मैंने अपना बैग को सील करवा लिया था वहाँ पर, उसमें टैग भी एक लग जाता है। अब मैं खड़ा था बोर्डिंग पास लेने के लिए। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर अपना बैग देना पड़ता है, जमा कराना पड़ता है और आपको बोर्डिंग टिकट मिल जाता है। दोस्तों जो बंदा लगेज हमारा जमा करता है वही हमें बोर्डिंग पास देता है। तो ये है बोर्डिंग पास, कुछ इस तरीके से दिखता है। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है आपकी फ़्लाइट नंबर और यहाँ पर गेट, इसी गेट से आप एंटर करेंगे बाद में। और ये देख सकते हैं यहाँ बोर्डिंग टाइम भी लिखा है, सीट के आगे सीट है 2B और यहाँ पर बोर्डिंग टाइम है 5:40। मैं पुणे से गोरखपुर जा रहा हूँ, तो ये आप मेरी पहली टिकट देख सकते हैं पुणे से हैदराबाद। ये है कनेक्टिंग फ़्लाइट, तो सबसे पहले मेरे को हैदराबाद जाना है, फिर हैदराबाद से आप देख सकते हैं गोरखपुर। यह आप हैदराबाद से गोरखपुर वाली टिकट देख सकते हैं। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ है फ़्लाइट नंबर आप देख सकते हैं, उसके बाद कौन से गेट से मेरे को प्लेन मिलेगा, बोर्डिंग Zone 3, सीट कौन सी होगी मेरी 9C, बोर्डिंग टाइम क्या होगा, वो सब लिखा हुआ है। मेरे पास जो बड़ा बैग था वो तो मैंने दे दिया है, अब वो मेरे को लैंडिंग के बाद ही मिलेगा। अब जो आप अपने साथ बैग कैरी कर रहे हैं उसकी चेकिंग होगी और आपके बॉडी की चेकिंग होगी। जो भी आपके पास सामान रहता है जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, उसको एक ट्रे में डालना होता है। अपना बेल्ट भी डाल दो, चाबी भी डाल दो। कहने का मतलब है जो भी आपके पॉकेट में सामान है वो आप ट्रे में रख दीजिए, वो अलग स्कैन हो जाएगा और आपकी बॉडी की वो अलग स्कैनिंग करेंगे। उसके बाद आपको सारा सामान आपको मिल जाएगा। अपना सारा सामान उठा लेना, उसके बाद आप आगे जाओगे तो आपको एक हॉल दिखाई देगा। यहाँ पर लोग वेटिंग करते हैं अपने प्लेन के लिए, तो मैं भी यहीं पर बैठ गया था। मेरी प्लेन थी सुबह को 6 बजे करीब, तो मैं वेट कर रहा हूँ यहीं पर। यहाँ पर दोस्तों आप पानी भी पी सकते हैं, सिंपली आपको यहाँ पर क्या करना है, इसको प्रेस करेंगे और पानी इस तरीके से निकलेगा। इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा, तो वीडियो बनने के बाद मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, एक बार आप चेक कर सकते हैं। यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना। और अगर आपके कुछ सवाल हैं या फिर आप कुछ बोलना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखना, मैं देखूँगा।